हेलो गाइस, टेस्टी वेजी खाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चावल की खीर बना रही हूँ, और ये वो भी आलू के पराठों के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उसके लिए मैं इस पैन में बनाऊँगी खीर। तो मैंने गैस सबसे पहले तो ऑन कर ली है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। आपको जितने भी दूध की खीर बनाना है आप उस हिसाब से दूध डाल लीजिएगा। ये मैंने इतना दूध डाल लिया है अंदाज से, और अब हम इसको उबलने देंगे। बीच गाइस, क्योंकि हम चावल की खीर बना रहे हैं तो ये मैंने थोड़े से चावल ले लिए हैं। तो ये लगभग 1 लीटर के करीब दूध है, और 1 लीटर दूध में मैंने लगभग, ये देखिए, बहुत एक छोटी सी कटोरी भर के चावल लिए हैं। और कोई भी चावल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको धोकर थोड़ी सी देर के लिए ठंडे पानी में ही गला दूँगी। सो गाइस, ये देखिए, ये खीर मतलब जो दूध है हम जो खीर के लिए यूज़ करने वाले हैं वो मैं ये चला रही हूँ ताकि उफन के बाहर ना आ जाए। और ये मैंने चावल गला के रखे हुए थे, तो इनका पहले मैं पानी निथार देती हूँ। अब ये पानी निथारने के बाद, ये देखिए, इसको इस तरीके से हम तोड़ देंगे। और तोड़ के अब हम ये जो दूध है इसमें डाल देंगे। सो गाइस, ये मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं, और हमें ये चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से घी खीर जो है गाढ़ी नहीं हो जाती। और ये मैं कैरेमलाइज खीर बनाने वाली हूँ, तो अभी शक्का हम नहीं डालेंगे। गाइस, ये देखिए, ये मेरी खीर जो है ये बहुत देर से उबल रही है, और ये काफ़ी हद तक उबल गई है। इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। सो गाइस, ये देखिए, ये खीर बन के हमारी तैयार हो गई है। तो अब इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी, और इसको मीठा करने के लिए हम कैरेमल तैयार करेंगे। ये देखिए गैस, कैरेमल तैयार करने के लिए मैंने चीनी ले ली है। मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है। अगर आपको नॉर्मल लाइक स्टील का बर्तन यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसको बस हम धीरे धीरे इसी तरीके से पिघलने देंगे अपने आप, बिना, आपको कुछ नहीं डालना है, पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है। गैस, ये धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, इसी तरीके से हमें चलाते रहना है, और फिर धीरे धीरे पूरी मेल्ट हो जाएगी। गाइस, आपको दिख रहा होगा ये कितना ज़्यादा मेल्ट हो गया है हमारा जो शुगर है। ये अभी और पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए ना ज़रा, फिर हम अपनी खीर में डालेंगे। तो गाइस, ये हमारा देखिए कैरेमल बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे खीर में, और हमें इस तरीके से चलाते जाना है। और अगर इकट्ठा हो जाता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये अपने आप धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे और कमेंट शेयर करना, और अगर पसंद आता है तो लाइक पे क्लिक करना, और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।